नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, क्या बिहार में कुछ बदलने जा रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले चाचा नीतीश से अचानक मिलने पहुंच गए थे तेजस्वी यादव, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे। और आपको बता दें कि आज बिहार पहुंचे हैं जेपी नड्डा, और बिहार आते ही नड्डा जी की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या एनडीए में वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता शहनवाज हुसैन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी। शुक्रिया आपको जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सब ठीक तो है ना शहनवाज जी? हमने देखा कि कुछ दिनों पहले अचानक से चाचा नीतीश से मिलने पहुंच गए थे भतीजे तेजस्वी यादव, और आज हमने देखा कि बिहार आते ही नड्डा जी दौड़े दौड़े सीएम के पास पहुंच गए। सब ठीक है कि खिचड़ी पक गई है? चाचा के पास नहीं पहुंचे थे भतीजे, विपक्ष के नेता सूचना आयुक्त की जो तय होना था नाम, उसमें विपक्ष के नेता को बैठना होता है, तो वो उनके ऑफिस गए। अब राहुल गांधी अगर कोई अपॉइंटमेंट कमेटी की बैठक होगी और उसमें विपक्ष के नेता के तौर पे पहुंचेंगे तो क्या ये चर्चा होगी जी? वो नहीं होगी। तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी का अनटूटा रिश्ता है, एकदम फेविकोल की तरह चुरा हुआ रिश्ता है, कहीं सवाल ही नहीं उठता है। नीतीश कुमार जी आ गए हैं, मंच पे कह दिया कि हम पहले चले गए थे, अब जाने वाले नहीं है। जी जी। इसलिए इस पर चर्चा बंद होनी चाहिए। अच्छा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2030 तक ये सरकार चलेगी, यानी 25 में भी चुनाव होगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे, जीतेंगे, फिर से आरजेडी और उसके गठबंधन को हराएंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनकी क्यादत में सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जी पूरी मेहनत कर रही है, नए अध्यक्ष आए हैं दिलीप जायसवाल, काफी डायनामिक है जी जी। और किसी भी पार्टी के नेता से ज्यादा पढ़े लिखे आदमी, पूरी मेहनत वो कर रहे हैं जी। और जेडीयू का भी, जेडीयू में भी बेहतरीन काम संगठन के तौर पे हो रहा है और डबल इंजन की सरकार है, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है और लोग जान रहे हैं कि बिहार को जिन्होंने संवारा है वही बिहार को संवारेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखा रहे। अच्छा। तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाने वाले आएंगे, जाल बिछाएंगे जी, जी। अच्छा अच्छा बोलेंगे, पोर्टल यूट्यूब पे चलेंगे, अच्छा। खूब इंटरव्यू देंगे, नाम भी ले ही लीजिए, जब इतना इशारा दे रहे हैं तो नाम भी ले लीजिए। बात कर रहे हैं आप प्रशांत किशोर की, डर गए शहनवाज, आरजेडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, आरजेडी के लोग नारा देख दे रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर तो बेचैनी दिख रही है। किससे? अरे आप लगातार इशारे पे इशारा दे रहे हैं, संकेत। आरजेडी के लिए कह रहे हैं। अच्छा। मुख्य विपक्षी दल वही है, तेजस्वी यादव आएंगे, जाल बिछाएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे। ये तो आप लोगों के दिल में, दिमाग में प्रशांत किशोर आ जाते हैं। अरे वो नई पार्टी आ गए हैं प्रशांत किशोर, क्या होगा आप लोग का? पिछले चुनाव में भी दो दो पेज का एड देकर नई पार्टी आई थी, पुरलर पार्टी, पुष्पम प्रिया आई थी, इस बार प्रशांत किशोर जी आए। तो हर चुनाव से पहले कोई ना कोई पार्टी आती है और प्रशांत किशोर मेहनती आदमी, ये बात सही है, खूब मेहनत कर रहे हैं, बात भी बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं आपकी। हाँ, खूब बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। अच्छा। मोदी जी के लिए भी जी, बीजेपी के लिए भी उन्होंने जान लगा दिया था 14 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। मोदी जी के सबसे बड़ी स्ट्रेटजी में वो भी थे, एक पार्ट थे, जैसे ममता जी को भी साथ गए तो ममता जी के साथ भी एक बार पार्ट थे, जब उसी तरह अन्य लोगों के साथ भी काम किए, तो वो तो सर्वदलीय हैं, सबके लिए काम किया। अच्छा। सर्वदलीय हैं प्रशांत किशोर। हाँ, वो सबके लिए काम करते ना। अच्छा। जैसे एक चुनाव होता है जी, तो एक आदमी पोस्टर लगाता है, लोहा तो आप भी प्रशांत किशोर, एक पोस्टर लगाता है, एक बैनर लगाता है, एक स्ट्रेटजी बनाता है, एक
कार्यकर्ता को इकट्ठा करता है, सब मिलकर एक पैकेज बनता है तब चुनाव जीतते हैं। तो वो भी आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत करना चाहिए। बिहार में कोई व्यक्ति अगर बिहार की अच्छाई की बात कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, बड़ा दावा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि हम 40 महिलाओं को और 40 मुसलमानों को टिकट देंगे। और आपको पता है कि पहले से मुसलमान महागठबंधन के साथ है और लगातार हम देख रहे हैं कि वहीं दूसरी ओर बीजेपी मुसलमानों को झटके पर झटका दे रही है, वो 40 दे रहे हैं और आप एक भी नहीं। देखिए, हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से जी किसी को नहीं देखते। हमारा कोई कार्यकर्ता सक्षम होता है तो उसको हम विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री भी बनाते हैं जी। और ये नहीं कहते कि हमने मुसलमान को बनाया। तो क्या शहनवाज हुसैन सक्षम नहीं है, क्या शहनवाज हुसैन किसी से कम है। हमने देखा कि आपके नाम की चर्चा हो रही थी कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, फिर नाम की चर्चा हुई कि भाई आपको MLC बना दिया जाएगा। और हमने देखा है कि उद्योग मिनिस्टर जब आप थे तो आपने क्या बेहतरीन काम किया था, लेकिन क्या असर हुआ नहीं पार्टी आज कहीं पर नहीं है शहनवाज हुसैन। कहीं पर पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है, अभी मेंबर बने हैं फिर से। तो कोई कमी है क्या? नहीं, कमी की क्या बात, कम सक्षम है। कुछ लोग संगठन में काम करते हैं जी, कुछ सरकार में करते हैं। पार्टी ने हमें सरकार के लायक नहीं समझा होगा, संगठन के लायक समझा तो संगठन में काम। क्या बीजेपी को मुसलमानों की जरूरत नहीं? एकदम नहीं है। बीजेपी को मुसलमानों की जरूरत एकदम नहीं? हमें हिंदू और मुसलमान नजरिए से देखने की जरूरत ही नहीं है। हम किसी को भी मुसलमान आ जाओ 40 टिकट देंगे, 50 देंगे, कोई पार्टी आ जाए वो वैसी तो 100% मुसलमान को टिकट देते हैं तो सारे मुसलमान चले गए वैसी के साथ। जी, 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 बिल्कुल। तो ये मुस्लिम भी भारत का बाशिंदा है, भी यहाँ बिहार का बाशिंदा है, उसको भी डेवलपमेंट चाहिए जी। उसको भी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। हाँ। तो कौन दे रहा है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को क्यों छोड़ेंगे? बढ़िया सड़क पर चलेंगे, गंगा पथ घूमेंगे तो वोट दे देंगे इधर उधर जाके। अच्छा, लेकिन एक सीधा सवाल है, देखिए कड़वा जरूर लगेगा आपको मेरा सवाल, लेकिन अगर आप पूछिए जी, कड़वा पूछ लेना, आपसे बुरा पूछना है वो पूछिए, जो पूछना है वो पूछिए। एक बात बताइए, क्या शहनवाज हुसैन को भी लगता है कि बीजेपी ने शहनवाज हुसैन की अनदेखी कर दी है, नाइंसाफी कर दी है, ज्यादती कर दी है? ये सवाल इसलिए है शहनवाज जी क्योंकि आपको तो अपने बंगले से भी हाथ धोना पड़ गया। अब बंगले पर कहीं के नहीं रहे, अब तो बोल दीजिए। आपने सुना था ना, नजर लगी राजा तेरे बंगले पे। हाँ। तो आप ही लोगों ने नजर लगाई है, हम लोगों ने नजर लगा दी है। बंगला से क्या तकलीफ तो हुई होगी? देखिए मान लीजिए, आप तो मान लीजिए कितनी तकलीफ। आपने कभी देखा मेरी बीवी बच्चे यहाँ बंगले में रहते हुए? ज्यादा तो पत्रकार ही आते थे, आपके आलोक जी ही ज्यादा आते थे यहाँ, आप आती थी तो पत्रकार आते थे। तो ये तो मैं अकेले ही रहता था ना। अब मैं पहले भी आता था तो मरिया होटल में रुक जाता था, सस्ता कमरा मिल जाता था। अभी भी मैं वही शिफ्ट हो गया हूँ तो जो बंगले से हाथ धोना पड़ गया, शहनवाज हुसैन से बंगला तक छिन गया। अरे क्या हुआ बीजेपी में रहकर शहनवाज? अरे तो बंगले के लिए थोड़ी बीजेपी में आए थे। अच्छा, अभी बंगला के लिए सक्षम लोग हैं, बढ़िया कार्यकर्ता हैं, वो बंगले में रह रहे हैं। हम लोग जमीन पे बीजेपी को फिर से हुकूमत में लाने के लिए लगेंगे, ताकत लगाएंगे। मैंने किसी से भी मुलाकात करके कोई पद की इच्छा नहीं जताई। मैं कार्यकर्ता हूँ और मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कोई भी पद कोई छीन सकता है, कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। तो जी, आज तो तकलीफ नहीं होती है? कोई तकलीफ नहीं होती, बुरा नहीं लगता मेरे चेहरे पे दिखता आपको कहीं से तकलीफ नहीं? जी। क्यों दिखेगा? इतनी मेरी पार्टी ने मुझे आज भी देखा, गुलाब लेकर नड्डा जी का स्वागत कर रहे थे आप, गुलाब पूरा बंच दिया था। और नड्डा जी जब युवा मोर्चा में थे, अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में हमको पहली बार लिया था। तो पुराना रिश्ता है, पुराना रिश्ता। और बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहारी बॉर्न है जी, जी। तो बिहार की धरती पर आए तो बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से मिले, हम लोग एयरपोर्ट पे मिले जी, जी। तो नड्डा जी तो अपने घर में आए हैं, हिमाचली कहने को।
जी, लेकिन पैदा तो बिहार की मिट्टी में हुए, ग्रेजुएशन तो यही पढ़ाई की है, पटना यूनिवर्सिटी। जी, जी तो नड्डा जी बिहार आए, खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन नड्डा जी परण है जी। अभी कोर ग्रुप की बैठक है हम सबकी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था, आप लोगों को बुला लिया है, क्या लगता है क्या होने जा रहा है, बेचैनी वगैरह तो नहीं है? किस बात की बेचैनी, राजद के नेता हम सिर्फ बयानबाजी करते हैं, सड़क पर घूम नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, रोड पर तो बीजेपी का वर्कर है, हम सेवा समर्पण भाव से कर रहे हैं। और लोगों को उम्मीद है कि जिधर भारतीय जनता पार्टी मोदी नीतीश कुमार, ये जीत की गारंटी, 40 में 30 जीतेगी नहीं, कितना बड़ा बड़ा दावा, बस 40 में 30 ही जीते, 40 में 30 जीते, 400 पार का नारा फुस हो गया, 400 बिहार में 40 के 40 जीतने का दावा करे तो फुस हो गया। दावा क्या, अभी तो जो हर कोई कह रहा है कि हम 150 जीतेंगे, तो तेजस्वी यादव कहते हैं 200 जीतेंगे, तो क्या वो क्या कहें कि हम 10 जीतेंगे, जो लोग 10 जीतने वाले हैं वो 150। आपको लगता है कि मुसलमानों की अनदेखी जो बीजेपी ने की है, तो खामियाजा 24 में भुगतना पड़ा? देखिए, मेरी तो लाइव सिटी के जरिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप ये कहते हैं कि आपकी अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो वोट में बड़ी अनदेखी कर देते हैं, वोट में बड़ी अनदेखी। हाँ, बीजेपी की, बीजेपी की गाड़ी देखी आप नाराज हो जाते हैं, थोड़ा मोहब्बत दोनों से, एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम बीजेपी बढ़ाएगी। अगर ज्यादा तादाद में बीजेपी में मुस्लिम आएंगे तो ज्यादा तादाद में उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, लेकिन हम तो मुस्लिम हैं, बीजेपी में जाते हैं, मुसलमान उधर अनदेखी करते हैं बीजेपी की और इधर नुकसान, शहनवाज हुसैन को झेलना पड़ता नहीं, मुझे क्यों झेलना पड़ेगा, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई कह भी नहीं सकता कि मुस्लिम होने की वजह से आपको हम ये कोई पद दे रहे हैं। मुझे अटल जी ने कभी माइनॉरिटी अफेयर का मंत्री बनाया, बिल्कुल जी। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा, टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा, कोल मिनिस्टर रहा, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा, HRD मिनिस्टर रहा, मैं बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा, पूरे बिहार से। आप कह रहे थे कि हम अंबानी को भी लाएंगे और अडानी, तो लाए कि नहीं, 2 सीमेंट प्लांट है वो, क्या अभी अभी आया है? हम ही ना उनसे जाके बातचीत किए, अब वो जमीन पर वो चीजें आ गई हैं, और भी लोग जो अभी नीतीश मिश्रा जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमसे जो हुआ एक साल में, मैंने बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला करीब एक साल जी। मैंने पूरी जान लगा दी कि बिहार में औद्योगिक क्रांति हो, औद्योगिक क्रांति हुई, 17 इथेनॉल प्लांट लगे, पेप्सी आया, कोको कोला आया, अडानी आया, अंबानी आया, सब आ रहे हैं। तो जो एक नींव डालनी थी, और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा था, रिकॉर्ड पे कहा, टेक्सटाइल पॉलिसी के जो लॉन्च करते हुए, लाइव सिटी के पास फुटेज है, आप निकाल के लगा सकती हैं इसमें, उन्होंने कहा कि शाहनवाज साहब जब से आए हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो जब सरकार का मुखिया सरेआम कबूल करे, तो इससे बढ़कर क्या होगा? हाँ। अभी भी मैं नीतीश कुमार जी से मिला था जी। इतने प्यार से मिलते हैं। हाँ। हम कोई काम के लिए उनके पास नहीं गए, उनके पास हम सिर्फ मिलने जाते हैं, पुराने साथी हैं, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में हाँ। काम कर रहे थे, तब के साथी हैं, और तब उनको वो सब याद रहता है, तो मेरा नीतीश जी से भी अच्छा रिश्ता है, और नीतीश जी याद दिलाते हैं, जॉर्ज साहब भी हमको बहुत मानते थे जी, जी, जी। तो एक पुराना रिश्ता है, हमने काम किया है, हम लोग काम कर रहे हैं, एक ध्येय एक लक्ष्य है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी को कम से कम 175 सीट अगले 2025 में जिताना है। अभी से शाहनवाज हुसैन का ध्येय है कि जो विकास की धारा नीतीश कुमार जी ने बहाई है उसको रुकने नहीं देना है, तेजस्वी होने नहीं देंगे, जो आप दावा कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, निकल रहे हैं ना यात्रा पर। अरे बहुत देर कर दी हजूर आते आते। अच्छा, क्या अब इतने दिन से लोकसभा, अभी तो वक्त है, 25 में होगा चुनाव, वक्त नहीं। आप ये कह रहे हैं क्या कि 25 से पहले होगा चुनाव? देखिए, चुनाव तो 25 में ही होगा, मैं नहीं कह रहा पहले होगा, और मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार के नए आर्किटेक्ट, पूरे आर्किटेक्ट हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, बिहार का नव निर्माण किया है। अब देखिए, बिहार में तो ऐसे गड्ढे थे जैसे बम गिरा हो, सब कुछ ध्वस्त था, न बिजली थी, न पानी था, न नल जल था,
सारी व्यवस्था किसने की? नीतीश कुमार जी को तो बड़ा से बड़ा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को उनको देना चाहिए। मोदी जी को, नीतीश कुमार को अवार्ड देना चाहिए। और क्या, बिहार का नव निर्माण किया, बीमारू राज से आज तरक्की वाला राज बनाया। हाँ, हाँ। लेकिन वो मुखिया है तो जो आता है उन्हीं को गाली देने लगता है। कोई नई पार्टी बनाएगा वो भी नीतीश कुमार को गाली देगा। हाँ। कोई पुरानी पार्टी वाला है वो भी उनको गाली देगा। हाँ। क्योंकि वही थोड़ी में है ना। जी, तो हर कोई टारगेट उनको करेगा। हाँ। लेकिन उनका क्या है, उनके जिंदगी का मकसद है सिर्फ बिहार को तरक्की याफ्ता डेवलप राज बनाना और बिहार की जनता का विश्वास है। इसीलिए तो 30 सीट मिली हम लोगों को। जी। अब कुछ सीट हम लोग हार गए, अपनी अपनी वजह थी। हाँ हा। लेकिन जिस तरह हम यूपी में हार गए बगल में, हाँ। झारखंड में हम 5 सीट हार गए छोटे राज में। लेकिन 25 में एनडीए का फतेह का झंडा लहराएगा नीतीश कुमार के क्यादत में। हाँ। 25 में भी फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसको रिकॉर्ड कर लीजिए आप। बिल्कुल, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शहनवाज हुसैन जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि 25 में क्या कुछ होगा। तेजस्वी यादव पर भी काफी हमलावर दिखे शहनवाज हुसैन। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।